फर्रुखाबाद में दबंग से भयभीत मोहल्लेवासी पलायन करने को मजबूर। मोहल्लेवासियों ने घर के बाहर लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर। दबंग घर में घुसकर मारपीट की घटना को पहले दे चुके अंजाम। दबंगों ने देर रात अपने साथियों के साथ मोहल्ले में घुसकर जमकर गाली गलौज की। परिवार के सदस्य गए थे कानपुर दवा लेने। घर पर अकेले युवक को देख दबंग घर में घुसे मोहल्लेवासियों के पहुंचने पर दबंग तमंचा लाठी डंडा लहराते हुए जान माल की धमकी देते हुए फरार। पीड़ित मोहल्लेवासियों ने थाना पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने नहीं सुनी दबंगों के खिलाफ कार्यवाही। मोहल्लेवासियों ने पुलिस पर दबंगों से साठ गांठ कर रुपए लेकर छोड़ने का लगाया आरोप। दोतवाली कायमगंज क्षेत्र के बगिया मोहल्ले का मामला। कहाँ रहते हैं आप? मोहल्ला बगिया मंगूला। अच्छा, ये मकान बिकाऊ के पोस्टर क्यों लगाया? ये मकान के पोस्टर इसलिए लगाए हैं कि 24 अक्टूबर को यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो गई थी। अनूप नाम का लड़का मरते मरते बचा है, ऐसा मारा दुश्मनों ने उनको कि खून से लथपथ था वो, लथपथ था। तो पुलिस वालों ने धारा भी बहुत कम लगाई, और पुलिस क्या करती है, दिन में पकड़ लेती है, उसके बाद दो घंटे बाद छोड़ देती है। क्यों? वो पैसा का व्यापार मैंने अपना पुलिस कर रही है। यहाँ की पुलिस सक्षम नहीं है सबसे। अब कल भी वही घटना कल भी हुई दिसंबर में, कल 8 तारीख को उसका पीड़ित का परिवार, उसके बाप, उसके भाई दवाई लेने के कानपुर, और तीनों को देख के अकेले देख के उसके घर में घुस गए। लोग फर्रुखाबाद के गुंडे थे, फर्रुखाबाद के आदमी बुलाए थे, तो उसमें से तीन पुलिस वालों ने पकड़ लिए और तीन भाग गए। तो तीन को पकड़ा और शाम को छोड़ दिया, यहाँ से लेके गए, वो आजम को पैसे ले लिए, छोड़ दिए। इसलिए हम लोग अपना मकान बेच रहे हैं कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। वो दबंग डरा के दिखा रहा है, बोला तुमको रहने नहीं देंगे, तुमको मार देंगे। तो भाई इसलिए हम लोग अपने मकान बेच रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।